जय माता दी। दोस्तों, मैं रोशनी शुक्ला, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रो रोशनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके होने से माता लक्ष्मी घर में निवास करती हैं, और कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनके घर में होने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उस घर में दरिद्रता छा जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है कि घर में कौन कौन सी मूर्तियाँ रखनी चाहिए जिससे जीवन में कोई परेशानी ना हो, हर कष्ट दूर हो सके और घर धन दौलत सुख सुविधा और ऐश्वर्य से भरपूर हो, और घर में कभी भी अन्न धन की कमी ना हो, घर में माता लक्ष्मी निवास करें और दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली मूर्ति है मेढक की मूर्ति। मेढक बहुत ही शुभ होता है। आप जानते हैं कि जब मेढक बोलते हैं तो बारिश होती है, इसी तरह मंडूक शास्त्र के अनुसार मेढक की मूर्ति घर में रखने से घर में पैसों की बारिश होती है। मेढक को धन तिजोरी की चाबी कहा जाता है। मेढक की मूर्ति घर में रखने से घर में धन आने के सभी रास्ते खुल जाते हैं, चारों तरफ से धन आने लगता है, आमदनी के नए स्रोत बनने लगते हैं, अचानक गिरा हुआ धन प्राप्त होता है और साथ में पैतृक संपत्ति भी मिलती है। दोस्तों, दूसरी मूर्ति की बात करें तो वो है पिरामिड। पिरामिड एक विशेष आकार के होते हैं जिनका आधार त्रिभुज या चतुर्भुज होता है। कहते हैं कि घर में पिरामिड रखने से घर का हर वास्तु दोष खत्म हो जाता है। पिरामिड घर की नकारात्मक शक्ति को खत्म कर देते हैं, इसलिए घर में पिरामिड जरूर रखना चाहिए। पिरामिड तांबे, पीतल या कांच का होना चाहिए। पिरामिड को घर के ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां परिवार के सभी सदस्य दिन में कम से कम एक बार साथ जरूर बैठते हों। इससे घर में धन सुख संपत्ति आने के हर मार्ग आसानी से खुल जाते हैं और घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। अगली मूर्ति की बात करें तो वो है कछुआ की मूर्ति। कछुआ घर में रखना कितना शुभ होता है, आप इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि भगवान विष्णु ने खुद कछुआ के रूप में इस धरती पर अवतार लिया था। इसीलिए घर में कछुआ की मूर्ति रखने से माता लक्ष्मी खिंची चली आती हैं। तांबे या पीतल का कछुआ रखना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। इसके साथ ही क्रिस्टल का कछुआ भी आप रख सकते हैं, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में चारों ओर से धन की वर्षा करती हैं। दोस्तों, आखिरी में बात करते हैं वास्तु देवता की। वास्तु देवता की मूर्ति घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर का वास्तु अच्छा रहता है और जिस घर का वास्तु ठीक रहता है उस घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, मानसिक शांति रहती है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और घर धन दौलत से भरा रहता है। तो अगर आप भी धन वैभव से परिपूर्ण रहना चाहते हैं तो घर में वास्तु देवता की मूर्ति जरूर रखें। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी मूर्तियाँ जिनमें से किसी भी मूर्ति को रखने से घर धन दौलत से भर जाता है और पैसों की कभी कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ हमारे अलग अलग शास्त्रों में बताई गई हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस विषय से संबंधित या कोई भी दूसरे प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको उसका उत्तर कमेंट में या फिर किसी वीडियो के माध्यम से ज़रूर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने को मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।